हमारी फितरत। एक घर में गृह प्रवेश की पूजा हो रही थी। पंडित जी पूजा करा रहे थे। पंडित जी ने सबको हवन में शामिल होने के लिए बुलाया। सबके सामने हवन सामग्री रख दी। पंडित जी ने मंत्र पढ़ते हुए कहते, स्वाहा। लोग चुटकियों से हवन सामग्री लेकर अग्नि में डाल देते। गृह मालिक को स्वाहा कहते ही अग्नि में घी डालने की जिम्मेवारी सौंपी गयी। हर व्यक्ति थोड़ी थोड़ी सामग्री डालता रहा, इस आशंका में कि कहीं हवन खत्म होने से पहले ही सामग्री खत्म न हो जाए। गृह मालिक भी बूंद बूंद घी डाल रहे थे। उनके मन में भी डर था कि घी खत्म न हो जाए। मंत्रोच्चार चलता रहा, स्वाहा होता रहा और पूजा पूरी हो गई। सबके पास बहुत सी हवन सामग्री बची हुई थी। घी तो आधे से भी कम इस्तेमाल हुआ था। हवन पूरा होने के बाद पंडित जी ने कहा कि आप लोगों के पास जितनी सामग्री बची हुई है उसे अग्नि में डाल दे। गृह स्वामी से भी उन्होंने कहा कि आप इस घी को भी कुंड में डाल दें। एक साथ बहुत सी हवन सामग्री अग्नि में डाल दी गई। सारा घी भी अग्नि के हवाले कर दिया गया। पूरा घर धुएं से भर गया। वहाँ बैठना मुश्किल हो गया। एक एक कर सभी कमरे से बाहर निकल गए। अब जब तक सब कुछ जल नहीं जाता कमरे में जाना संभव नहीं था। काफी देर तक इंतजार करना पड़ा सब कुछ स्वाहा के इंतजार में। यह कहानी तो यहीं रुक जाती है, परंतु इस पूजा में मौजूद हर व्यक्ति जानता था कि हवन सामग्री उसके पास है, उसे हवन कुंड में ही डालना है। पर सबने उसे बचाए रखा, सबने बचाए रखा कि आखिर में सामग्री काम आएगी। ऐसा ही हम करते हैं, यही हमारी फितरत है। हम अंत के लिए बहुत कुछ बचाए रखते हैं। जिंदगी की पूजा खत्म हो जाती है और हवन सामग्री बची रह जाती है। हम बचाने में इतने खो जाते हैं कि जब सब कुछ होना हवन कुंड के हवाले है, उसे बचा कर क्या करना। बाद में तो सिर्फ धुआं ही देगा। संसार हवन कुंड है और जीवन पूजा है। एक दिन सब कुछ हवन कुंड में समाहित होना है। अच्छी पूजा वही है जिसमें हवन सामग्री का सही अनुपात में इस्तेमाल हो। ऐसा ही हमें अपने जीवन में करना चाहिए। धन्यवाद।